नमस्ते दोस्तों, मातृभूमि लोकल की और एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागतम है। मेरा नाम प्रदीप है और ये है मेरा वाइफ संगीता। भी हम है चेन्नई में और हम जाने वाले हैं आज महाबलीपुरम। चेन्नई से महाबलीपुरम का डिस्टेंस 51 किलोमीटर है और ये सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हम आपके साथ शेयर करेंगे पिछले 48 आवर्स में चेन्नई में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। चेन्नई आने के बाद फर्स्ट जो विजिटिंग प्लेस हमने एक्सप्लोर किया वो है सेंट थॉमस चर्च। क्रिश्चियन धर्म अनुरागियों से जो कैथोलिक ओपिनियन से मानते हैं उनके लिए ये चर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से लगभग 500 साल पहले 1523 में पुर्तगाली द्वारा बनाया गया ये चर्च आज वर्ल्ड फेमस है। चर्च का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर अभी खड़ा है ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है 1896 में। हम दोनों बहुत लकी था क्योंकि जब हम पहुंचे चर्च में तो एक स्पेशल प्रेयर हुआ पर हो रहा था। स्पेशल प्रेयर अटेंड करने के बाद जब हमारी नजर में आया 4 बज गए तो हम दोनों शेल्टर ढूंढने में लग गए। दोपहर की 4 बजे से शाम की 8 बजे तक हम बहुत कोशिश किए फ्री शेल्टर ढूंढने के लिए, लेकिन हम नाकाम रहे। उसके बाद हम चले आए चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के और इस टाइम हमारा कोशिश था हमारी बजट के हिसाब से होटल और गेस्ट हाउस में रूम ढूंढना। इसी कोशिश में भी हमने फेलियर रहा। अब हम दोनों डिसाइड किया चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की आगे टेंट बिछा के आज रात यहीं पर रह लूंगा। पूरी रात स्टेशन में बिताने के बाद अगली सुबह हमने एक होटल बुक किया जहां पर लगेज रख के हमने पूरा चेन्नई शहर को घूमा और जानने की कोशिश किया। इसी दौरान जो इमारत हमारे नजरों के सबसे सामने आया वो है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। नंगे आंखों से दिन के उजालों में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन का नजारा बहुत खूबसूरत है और रात में इसका खूबसूरती और भी ज्यादा हो जाता है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की एकदम बगल में ऐसी एक पुराने बिल्डिंग आपको नजर में आएगा और इस पुराने बिल्डिंग का एकदम बगल में ही स्थित है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। ये सब देखने के बाद अब हम दोनों को जाना था चेन्नई मेरिन ड्राइव। मेरिन ड्राइव पहुंचने से पहले एक जंक्शन की आगे हम दोनों को ये गार्डन और एक स्तंभ दिखाई दिया नीट एंड क्लीन गार्डन के साथ। जैसे स्तंभ को बनाया गया है ठीक उसके बगल में हमारी मातृभूमि की तिरंगा लहर रहा है। उसके बाद मेरिन ड्राइव शुरू होने के कुछ देर आगे ये ब्रिज हमको नजर में आया। वाकई सुंदर तो है ही और रात में इसका सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद मेरिन ड्राइव वाले रास्ते में हमको ये नजर में आया और एट लास्ट चेन्नई मेरिन ड्राइव में हम पहुंच ही गए। एज ए बंगाली ट्रैवलर चेन्नई मेरिन ड्राइव बीच हमको उतना अच्छा नहीं लगा। नंगे पांव में सीसाइड बीच घूमना बड़े डेंजरस हो सकता है आपके लिए क्योंकि यह हर जगह कांच की टुकड़ा फैला हुआ है। शाम के कुछ टाइम समुन्द्र किनारे बिताने के बाद हम चल बसे डिनर करने के लिए और हम पहुंच गए इस दुकान में जहां हमारे साथ मुलाकात हुआ ये सब दादा लोगों के साथ जो एक्चुअल में बंगाल का है। घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर आके अपनी मोहल्ला की लोगों के साथ अपनी भाषा में अपनी तरीके से बातचीत करना ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। डिनर कम्प्लीट करने के बाद चेन्नई की क्राउड के दरिया में अपनी नाव तैरते हुए हम पहुँच गए होटल में। तो आज हम सफर कर रहे चेन्नई से महाबलीपुरम। अभी भी बहुत रास्ता बाकी है और हमारे बिल्कुल दाएं तरफ है चेन्नई पुलिस की हेडक्वार्टर। चेन्नई आने के बाद हमने एक चीज देखा, चेन्नई का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का ट्रैफिक रूल्स लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। चेन्नई का और एक चीज जो हमको बहुत अच्छा लगा वो है यहाँ का हर पुलिस कर्मचारी फिजिकली एकदम फिट है और हर एक पुलिस कर्मचारी हमेशा आपको विद प्रॉपर यूनिफॉर्म दिखाई देगा। रास्ते में चलते चलते हमारा मुलाकात हुआ फिलिप्स नामक ये बुजुर्ग साइकिलिस्ट के साथ। उसके बाद हम मिले इन भाई लोगों के साथ। आज हमारी सुंदरी को थोड़ा डॉक्टर दिखाना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन पहले जब हम तमिलनाडु घुसने वाले थे तब इसका बैकबोन यानी स्टेरॉइड टूट गया। मन में डर लेके हम आगे बढ़ रहे थे क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमको मंसूर दादा की दुकान मिला और मंसूर दादा तभी काम चलाने के लिए वेल्डिंग करवा के लेके आया, तभी तो इतनी सही सलामत चेन्नई पहुंचे हम। रास्ते में ये दुकान के सुंदरी का बैकबोन चेंज करने का ख्याल आया। तमिलनाडु प्रवेश करने के आगे हमने सुना था कि तमिलनाडु बहुत ही महंगा है, लेकिन इतना महंगा है हमको मालूम नहीं था। यह जो पार्ट्स हमने चेंज करवाया उसका प्राइस है 180 और उसको लगाने के लिए फिटिंग चार्जेस उन्होंने लिया 220 और 10-15 किलोमीटर आने के बाद इन दादा लोगों की दुकान में हमने लॉन्च किया। इन दादा लोग भी बंगाली है और हम दोनों को बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी किया इन्होंने। लॉन्च कम्प्लीट करने के बाद आगे पर
गए हम 20 किलोमीटर और हमारे सामने आ गया ये नजारा। समुंदर की पानी से बना हुआ ये लेक बहुत ही खूबसूरत है, जहां अभी बोटिंग हो रहा है। उसके बाद हमारा मुलाकात हुआ इन दादा के साथ और इन्होंने हमको कोकोनट ऑफर किया। खबर रास्ते में चलते चलते जो ये छोटी छोटी जगह हमको दिखाई देते हैं, जो शायद ट्रैवलिंग करने वाला टूरिस्ट को नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो लोग दूसरे किसी के भरोसे जाते हैं और जो बाइक वाला है उनको भी दिखाई नहीं देते। इसीलिए हमारा साइकिल से निकलना, ये जो जगह है खूबसूरत जगह, ये सब जगह को कवर करने के कोशिश से हम साइकिल से निकले हैं। और जब जब ऐसा जगह हमको देखने को मिलता है तो लगता है हमारा जर्नी सक्सेसफुल हो रहा है। तो आज हम 51 किलोमीटर की सफर तय कर लिया और हम पहुंच गए महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की 100 टेम्पल यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर बाकी है। शाम की लगभग 6:30 बजे हम महाबलीपुरम पहुंच गए थे। उसके बाद बहुत कोशिश किया फ्री शेल्टर ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी फ्री शेल्टर नहीं मिला। यहाँ पर लॉज और गेस्ट हाउस बहुत ही महंगा है। लगभग 2-2.5 घंटा शेल्टर ढूंढने के बाद, कोई भी जगह ना मिलने के बाद, ये शिव मंदिर में हम बात करके टेंट बिछा लिया। यहाँ कोई चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इन भाई लोगों के साथ बातचीत करके सुंदरी का दिल यानी बैटरी इनके घर में जाके चार्ज में बिठा के देके आया। आज महाबलीपुरम हम घूम नहीं पाए, कल सुबह महाबलीपुरम घूम के पांडिचेरी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू एंड गुड नाइट।